नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है, एक बड़ी सफलता भारत के हाथ लगते लगते रह गई है। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि कल ही टेस्ट की गई थी फेल हो गई है। दरअसल दोस्तों कई सारे न्यूज़पेपर ने, कई सारे मीडिया हाउसेस ने कल ये खबर दी थी कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सटेंडेड वेरियंट है हमने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया था वो असफल हो गया है। तो क्या सचमुच में ऐसा हुआ है और आखिर चीन और पाकिस्तान इसको लेकर क्या बोल रहे हैं और आखिर चीन इतना ज्यादा क्यों उछल रहा है, साथ ही एक्सपर्ट्स का क्या मानना है और भारत अब आगे क्या करने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों आप भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बखूबी जानते हैं और भारत और रशिया ने दोनों ने मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है और दुनिया में नंबर वन पर आती है ये क्रूज मिसाइलों के मामले में। भारत इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट पर लगातार काम कर रहा है और भारत हर टाइम इसको अपग्रेड करने में लगा रहता है। और इसी को लेकर भारत अभी एक टेस्ट कर रहा था जिसमें भारत ने इसकी मारक क्षमता को डबल कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि इसकी जो असफलता के पीछे क्या कहानी रही है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का जो मानना है वो ये है क्योंकि इसकी क्षमता को डबल कर दिया गया था और इसका साइज काफी बड़ा हो गया था और भारत आगे चाह रहा था कि इस मिसाइल की सफलता के साथ ही भारत एक नई ऊंचाई पर आ जाए। और दोस्तों कल ही खबर निकल कर आई थी कि इसका परीक्षण उड़ीसा से कर लिया गया है, लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत ने जिस मिसाइल का कल टेस्ट किया था वो असफल हो गई है और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल टेक ऑफ करने के बाद कुछ ही दूरी पर जाकर गिर गई है और इसीलिए इसका परीक्षण असफल रहा है। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल का असफल होना इतना ज्यादा इश्यू नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम कोई नई मिसाइल का परीक्षण नहीं कर रहे, बल्कि हम काफी सारी हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कई सारे परीक्षण कर चुके हैं और ये सारे परीक्षण 100% तक सक्सेसफुल रहे हैं। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इसके प्रोपल्शन सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से ये मिसाइल सफल नहीं रह पाई, लेकिन अभी भी जो एग्जैक्ट कारण है वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका पता लगा लिया जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से इस मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं किया जा सका। दोस्तों आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक बेहद ही सफल मिसाइल है और आज से पहले जितने भी इसके परीक्षण हुए हैं वो सभी सफल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब कोई काम करने जाता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका हर काम सही हो, बल्कि कई बार उसको असफलता भी हासिल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह वहीं रुक जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो एक कदम और आगे बढ़े और उसको सफल करके दिखाए। और दोस्तों आपको पता है कि भारत ने हाल ही में इतनी ज्यादा मिसाइलों को परीक्षण किए हैं जिनमें से सभी के सभी सफल रहे हैं और ऐसे में अगर किसी एक मिसाइल का परीक्षण असफल हो भी जाता है तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। और दोस्तों वो भी एक ऐसी मिसाइल का जिससे आज हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान बुरी तरह कांपते हैं। ऐसे में दोस्तों जब ये मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया है तो चीन और पाकिस्तान इस पर खुशियां मना रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर काफी भूचाल मचाया हुआ है और चीन और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत की जो मिसाइल है वो इतनी अच्छी नहीं होती और ये केवल कबाड़ है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि भारत क्या है और भारत की मिसाइलें क्या हैं और आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान में जो डिबेटें होती हैं उनमें अक्सर भारत की मिसाइलों का जिक्र हुआ करता है। वैसे दोस्तों आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान के जो हथियार होते हैं वो बिल्कुल ही बोगस होते हैं और किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं। हाल ही में दोस्तों आपने देखा था कि पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने दिया हुआ है वो पिछले काफी समय से काम नहीं कर रहा है और बिल्कुल रद्दी की तरह पड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आपको अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत ने पिछले एक महीने में करीब 12 मिसाइलों का परीक्षण किया है और वो भी सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत ने अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने कि चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दिया था। और दोस्तों बहुत ही जल्द भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वेरिएंट को फिर से टेस्ट करेगा और इसको सफल करके भी दिखाएगा। अब ऐसे में दोस्तों आज पाकिस्तान और चीन जो खुशियां मना रहे हैं उसको लेकर आपका क्या व्यू है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।